हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना ग्रोवर्स व्लॉग्स। तो गाइस, आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है, तो सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत सारी विशेस। और अब हम जा रहे हैं गुरु नानक प्याऊ गुरुद्वारा, जो कि हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है। और ये है काली माता मंदिर, और ये है रिंग रोड मॉल, जो कि बहुत ही रोड पर ट्रैफिक बहुत था और रेड लाइट्स भी मिली, तो हमें 40 मिनट्स हो चुके हैं गाइस घर से निकले हुए। तो अब हम पहुँचने वाले हैं, GT रोड पर हैं हम लोग, राणा प्रताप बाग पहुँच चुके हैं। और आज मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, बट ये आपके सामने मैं 2 या 3 दिन के बाद ही ला पाऊंगी, क्योंकि इसे रेडी करने में टाइम लगेगा गाइस। तो अब हम पहुँचने ही वाले हैं, लगभग 5 मिनट में गाड़ी को पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे। देखिए, सब सिख लोग ये सब गुरुद्वारे की तरफ ही जा रहे हैं बाबा जी को थैंक्स करने और बाबा जी के आगे अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। तो हम लोग गुरु नानक प्याऊ गुरुद्वारा में एंटर कर चुके हैं और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही श्रद्धा से आए हुए हैं आज के दिन, क्योंकि आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस है और गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी यहाँ पर कैंडल और दिए लगा करके अपनी श्रद्धा उनके प्रति प्रकट करेंगे। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे, और अपनी यात्रा के दौरान वो यहाँ पर थोड़ा टाइम रुके थे। गुरुद्वारे में मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रहता है, तो मोमबत्तियाँ या कैंडल लगाने के लिए एक अलग से स्पेस होती है, जहाँ पर कि हम लोग अपनी कैंडल्स, श्रद्धा के दिए सब लगाते हैं, और इससे कोई डेंजर भी नहीं रहता है, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग भी जगह देख रहे हैं कि हम कहाँ पर लगाएं कैंडल और दिए। हमने भी एक सेफ जगह देख करके, जहाँ पर कि कैंडल्स लगी थी, वहाँ पर हमने अपने कैंडल्स और दिए वगैरह लगाने का काम स्टार्ट कर दिया। हम लोग दियों से घर और कारोबार और बच्चों के घर ये सब बनाते हैं गुरुद्वारे में या मंदिर में। अगर गुरुद्वारे में पॉसिबल ना हो पाए आना, तो हम मंदिर में भी बनाते। तो ये देखिए, दियों में बत्ती लगाना, तेल डालना, ये सब अकेले मेरे बस का नहीं था, और मेरे हस्बैंड बहुत ही हेल्पिंग हैं, तो वो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल साथ में बत्ती भी इसमें लगाई दियों में, और अब तेल डाल रहे हैं। और ऐसा हमारी श्रद्धा है कि ये जो हम उजाला गुरु दरबार में या मंदिर में करते हैं, तो गुरु महाराज जी परमात्मा हमारे घरों में इसी तरह से रोशनी बनाए रखें। और ये मैं आटे के कुछ दिए भी घर से बनाकर लाई थी, जिनको कि मैं शेप दे करके दोबारा रख रही हूँ, और ये हमारे बहुत ही श्रद्धा का। तो दियों से हमने घर, शॉप और जो भी हमारा हम प्लेस तैयार करते हैं, वो सब तैयार है। तो अब हम सभी दियों को जगा रहे हैं। तो इस तरह से गुरु नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, हम इन सभी दियों को प्रज्वलित कर देंगे। और ये जो बड़ा दिया लगाया है, ये 365 बत्तियों से बना है बड़ा वाला दिया, जो कि साल में एक बार या तो तुलसी के आगे या गुरु दरबार पर कहीं भी। तो पूजा हो चुकी है हमारी यहाँ पर, हमने यहाँ पर स्वास्तिक भी बनाए थे, हर एक घर, शॉप और जो भी हमने प्लेस यहाँ पर रेडी किए थे, स्वास्तिक बना करके गेहूँ और मूली के पत्तों से यहाँ पर पूजा की। उसके बाद इसे हम संकल्पित कर लेते हैं कि ये अब हमारा घर परिवार सब आपके हवाले भगवान जी। मैं अपने जो लास्ट हमने लास्ट इयर्स में जो हमने घर बनाए थे, वो इस टाइप से बनाए थे। और हम ये जो ईंटें हैं, ये अपनी परचेज करके लाते हैं। और मंदिर गुरुद्वारे ये मैंने मंदिर में बनाया था, दुर्गा मंदिर है हमारे वहाँ पर एक, तो वहीं पर हमने ये देखे घर, दुकान और पीछे मकान, और लोगों ने भी बनाए हैं। देखिए, बहुत सारे यहाँ पर इस तरह से घर बने होते हैं, और झिलमिल दियों की बहुत अच्छी लगती है मंदिर में भी। और इस तरह से देखिए, गेहूं हम डाल रहे हैं, मूली के पत्ते, और हरेक उसमें मकान में, दुकान में स्वास्तिक बनाया, और ये मैं गेहूं डाल रही हूँ ऊपर से, ये मेरे हस्बैंड भी साथ में है मेरे। और इस तरह से हम लोग भगवान से यहाँ दुआ करते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु जी, हमारे घर परिवारों में सुख शांति बरकत रखना। और गाइस, ये पिक्स है 2 ईयर्स बैक, जब हमने घर बनाए थे, शॉप्स बनाई थी, और बहुत ही धार्मिक फेस्टिवल है गाइस ये। इसके लिए अब मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कुछ बता चुकी हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग घर की, शॉप की पूजा करते हैं, दिए लगाते हैं। तो अब चलते हैं आगे। दर्शन करने से पहले जो चाहिए वो यहाँ से प्रसाद लेकर के भोग लगवा सकता है, उसके लिए पर्ची आप 10 रुपये की, 5 रुपये की, कितने की भी कटवा सकते हैं, अपना मन है, चाहे तो लगवाएं, नहीं तो ज़बरदस्ती कोई नहीं होती है। और आज काउंटर भोग का बाहर
ही लगा है, जस्ट कटार से टच किया जाता है। अब हम ये बाबा जी के दर्शनों के लिए आ गए हैं, बैक साइड से आए हैं हम लोग, फ्रंट में काफ़ी रश था बट हम अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि लाइंस लग पाएँ। अंदर जो ग्रीन कलर से कवर है ना, वही बाबा जी की भीड़ है, उन्हीं के दर्शनों के लिए सभी लोग आते हैं यहाँ पर, उनके दर्शन करते हैं। हमने बाहर से ही दर्शन किए, अरदास लगाई और अब हम लोग जा रहे हैं सरोवर की तरफ। ये देखिए बाबा जी, गुरु ग्रंथ साहब जी के मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ। यहाँ पर ये अलग से कैबिन बने हैं, जिसको पाठ रखवाना होता है वो रखवा लेते हैं यहाँ। गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शनों के बाद अब हम लोग आ गए हैं सरोवर पर। ये सरोवर बहुत ही पवित्र माना जाता है, वैसे यहाँ पर त्योहारों के दिनों में स्नान भी किया जाता है बट आजकल स्नान बंद है, सरोवर ही बंद किया हुआ था। बहुत दिनों के बाद हम लोग सरोवर की तरफ आए, वैसे हम लोग यहाँ आते रहते हैं और यहाँ अब हम पूरी परिक्रमा लेंगे। वैसे यहाँ पर गुरुपुरब पर बहुत ही रश होता है बट यहाँ पर इस बार बहुत ज़्यादा रश नहीं है गाइस, बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ, वरना यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है गुरुपुरब पर। अब हमारी परिक्रमा पूरी होने ही वाली है गाइस, ये देखिए ये पूरे सरोवर की परिक्रमा हमने की है। सरोवर की परिक्रमा के बाद अब हम लोग लग गए हैं लाइन में प्रसाद के, प्रसाद की लाइन में भी डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है सबने, और ये देखिए कितनी कितनी दूरी पर सभी लोग चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले लेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे प्याऊ की तरफ। तो ये है वो प्याऊ जिसे गुरु नानक देव जी ने चमत्कारिक तरीके से यहाँ पर उत्पन्न किया था, तो तभी से इसका नाम नानक प्याऊ रखा गया। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पानी की भी सुविधा नहीं थी और उनके शिष्य गुरु मर्दाना साहब जी को बहुत प्यास लगी, तब गुरु नानक देव जी ने ये प्याऊ उत्पन्न किया और यहाँ दूर दूर तक बंजर जमीन थी, कुछ नहीं दिखाई देता था और गुरु नानक देव जी की कृपा से देखिए बहुत ही अच्छी इस प्याऊ से सभी लोग जल लेते हैं। और देखिए इस तरह से इसे पॉलीथिन में बांधा जाता है और जो लोग अपने साथ बॉटल नहीं भी लाए हैं तो वो भी इस जल को ले जा सकते हैं और इस जल की भी बहुत मान्यता है, कहते हैं इस जल को ग्रहण करने से हमें कोई भी संताप नहीं सताता है और हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। ये गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद ही है। ये देखिए इस तरह से थैलियों में भर के दिया जाता है और यहाँ पर प्याऊ पर मेन सुविधा ये है कि लोगों को जल पिलाया भी जाता है, केटल लेकर खड़े होते हैं सेवादार और जो चाहे जल ले सकता है। प्रसाद लेने के बाद हम लोग आए हैं अब निशान साहब जी के दर्शनों के लिए, जिनकी छत्र छाया के नीचे सभी लोग सुरक्षित हैं। नीचे जो मशीन लगी है इससे डेली वस्त्र चेंज किया जाता है, पर हम दिन में यहाँ आए हैं वरना रात को यहाँ बिल्कुल दिवाली जैसा लगता है, बहुत लाइटिंग होती है। तो कुछ पिक्स मैं शेयर करती हूँ आपसे। गुरुपुरब के दिन कुछ ऐसा नज़ारा होता है गुरुद्वारे का कि जिस तरह से आसमान के तारे ही धरती पर आ गए हों। और ये देखिए कैंडल्स कितनी अच्छी लगती हैं जगमग करती हुई, और जो सरोवर के पानी में रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना गुरुद्वारे का, वो तो देखते ही बनता है। तो देखा आपने कितनी शांति मिलती है ऐसी जगह पर आकर, और हम लोग तो आए दिन नानक प्याऊ आते ही हैं, कोई बर्थडे एनिवर्सरी हम लोग यहीं पर सेलिब्रेट करते हैं। और ये है लंगर हॉल बट हम अंदर नहीं। तो आज हमने किस तरह से गुरु पूर्णिमा का ये त्यौहार, या देव दीपावली भी कह सकते हैं उसका ये त्यौहार, कितने प्यारे ढंग से नानक प्याऊ गुरुद्वारे में मनाया और आप लोगों को भी मैंने इसमें शामिल किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो गाइस अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, और बेल आइकन का बटन ऑल करके प्रेस कीजिएगा जिससे कि मेरी सभी वीडियोज़ आप तक पहुँच।